नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया में और मैं हूं आपका दोस्त कपिल कुमार भार्गव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर, किसी मुकदमे को हमें फेस करना पड़ रहा है, दिन प्रतिदिन अदालत जाना पड़ रहा है, अगर तारीख पेशी पर हम अदालत नहीं पहुँच पाते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, जब भी किसी भी अदालत में कोई मुकदमा लगता है तो अगर कोई व्यक्ति उस मुकदमे में अभियुक्त है या वादी है, यानी वादी वो व्यक्ति होता है जिसने मुकदमा किया है और अभियुक्त वो व्यक्ति होता है जिस पर मुकदमा हुआ है, तो ये वीडियो दोनों ही पक्ष की तरफ से आपको जानकारी देने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका ज्ञान भरपूर तरीके से बढ़ जाए। दोस्तों, जब एक मुकदमा किसी अदालत में चलता है तो उस मुकदमे में तारीख लगती हैं और उन तारीख पर जाना अति आवश्यक होता है। तारीख पेशी उसी को कहते हैं, यानी जिस तारीख पर मुकदमा लगा है सुनवाई के लिए, उस सुनवाई की तारीख को अगर आप नहीं पहुंच पाए, किसी कारणवश किसी कार्य में फंस गए, या मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या किसी गवर्नमेंट सर्विस में ऐसे पद पर आसीन हैं जहां ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि हर तारीख पर आप उपस्थित हो पाएं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। अदालत को अधिकार है, अगर आप तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो अदालत आपके खिलाफ समन, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट जारी कर सकती है। ये अदालत का डिस्क्रिशन है, उसका विवेक है, उसका अधिकार है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके संग आ रही है या आती है कि आप तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप सबसे पहला काम एक ये करिए कि आपने जो अधिवक्ता उस मुकदमे में नियुक्त कर रखा है, आप उन अधिवक्ता महोदय को तत्काल सूचित कर दीजिए और उनसे बताइए कि साहब, मेरी ये परेशानी है और मैं फला तारीख को उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। ऐसी सूरत में जो आपके अधिवक्ता महोदय हैं वो अदालत में एक एप्लीकेशन देंगे, प्रार्थना पत्र वास्ते हाजिरी माफ़ी। इसका मतलब ये होता है कि जो अभियुक्त है या वादी है जिसको तारीख पेशी पर आना अनिवार्य है, किसी ऐसे काम में व्यस्त हो गया या कोई ऐसा कारण है जो अनअवॉइडेबल है, यानी जिसको कि इनकार किया ही नहीं जा सकता, तो ऐसी सूरत हाल में जो आपके अधिवक्ता महोदय होंगे वो आपके प्रार्थना पत्र वास्ते हाजिरी माफ़ी में ये कंटेंट्स लिखेंगे कि किस कारण से आप नहीं आ पाए। जनरली जो हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र अदालत में दिए जाते हैं उसमें मेंशन किया जाता है कि भाई हमारा क्लाइंट बीमार है, या उसे डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, या फिर वो नौकरी करता है और दूसरे शहर में नौकरी कर रहा है, इस कारण जिस जिले में मुकदमा चल रहा है वो वहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहा है। अक्सर ये परेशानियाँ आती हैं कि अगर मान लीजिए कि आप किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जॉब करते हैं जहाँ से आपको 200 किलोमीटर का फासला हो, या आप उपस्थित नहीं हो सकते हैं हर तारीख पेशी पर, तो आप अपने अधिवक्ता को सूचित करें, वो हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र देंगे और ऐसी सूरत में अगर अदालत उचित समझेगी तो आपको उपस्थिति से हाजिरी माफ़ी देंगे। उपस्थिति से हाजिरी माफ़ी का मतलब ये होता है कि ठीक है, आज आपका क्लाइंट अदालत नहीं आ पाया है, अगली डेट पे वो ज़रूर आए और अदालत इस बात को, आपकी केस की फाइल होती है उस पर लिखा जाता है, उस पर जज साहब अपने साइन बनाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ लोअर कोर्ट की, हाई कोर्ट में हाजिरी माफ़ी वाला कोई सिस्टम नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट होती है, लोअर कोर्ट होती है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे क्रिमिनल कोर्ट हो, यानी चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट हो चाहे वो सिविल जज की कोर्ट हो, तो ऐसी निचली अदालतों में इस प्रकार के हाजिरी माफ़ी के प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं। अक्सर ये होता है कि आपके अधिवक्ता महोदय जब वहाँ आपकी बात को रखते हैं तो अदालत भी इस पर लिबरल व्यू रखती है और आपको हाजिरी माफ़ी दे देती है। लेकिन अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। अगर मान लीजिए आप किसी केस में अभियुक्त हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर छोड़ा है या सेशन कोर्ट ने, ऐसी सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट के भी आदेश में ये लिखा हुआ है कि आपको जमानत
शर्तों के अंतर्गत दी जा रही है, आप हर तारीख पेशी पर उपस्थित होंगे अदालत में। अगर नहीं होंगे तो निचली अदालत को यह अधिकार रहेगा कि वो आपकी जमानत खारिज समझ लें और आपके खिलाफ नॉन बेलबल वारंट या गिरफ्तारी करने के लिए आदेश पारित कर दें। दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन यानी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ किसी व्यक्ति को बेल ग्रांट की गई है तो उसे हर तारीख पर उपस्थित होना अनिवार्य है, वो इस चीज़ से नहीं बच सकता। फिर भी अगर मान लीजिए आपको बुखार हो गया या आपको कोई और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो गई तो अपने अधिवक्ता को ज़रूर सूचित करिए। जनरली जो निचली अदालत है, जहाँ ट्रायल चलता है, जहाँ मुकदमा चलता है, चाहे वो सिविल नेचर का कोर्ट हो चाहे क्रिमिनल नेचर का कोर्ट हो, वहाँ एप्लीकेशन यानी हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन फाइल करने का जो समय है दिन के 12 बजे या 12:30 बजे तक ही होता है। अगर उसके बाद दिया जाता है तो अदालत ज़रूरी नहीं है कि ऐसे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करे, वो खारिज भी कर सकती है, वारंट भी कर सकती है।